संतू। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। और देखो ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है, बहुत खतरा है इसमें। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है और किसी से उलझने की भी जरूरत नहीं है। जान का खतरा है इसलिए जो काम बताया गया है वो करके चुपचाप घर वापस आना है। और हाँ ये जो गुस्सा है ना, गुस्सा, गुस्से को जरा काबू में रखना। हाँ वहाँ किसी को भोकाल वोकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पुष्पा जी, आजकल मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है। किसी को कोई खतरा नहीं है, मेरे भोकाल से सब सेफ है। उफ, ये मासूमियत। सॉरी। देखो हम जो कह रहे हैं ना वो चुपचाप सुनो। हमको पता है तुम्हारा स्वभाव कैसा है, झक्की हो तुम एक नंबर की। माँ तुम, तुमको खड्डा दिखाई नहीं देता है क्या? देखा देखा कब तुमको गुस्सा है ना, खुद तुमको पता नहीं होता है। इसलिए संयम रखना, संयम। क्या कह रहे हैं हम, सुन भी रही हो तुम? हाँ सुन लिया पुष्पा जी, मातेश्वरी सुन लिया हमने, हमको संयम से काम लेना है। हम मिशन के लिए जा रहे हैं और हम झक्की हैं, लेकिन चूरन नहीं है जो किसी पे भी राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। मिशन का मतलब हमको समझ में आता है, हमारी टेंशन लेना बंद कीजिए, हम संयम से काम लेंगे। संतोष शर्मा आप आगे मोड़ पे गाड़ी रोकिएगा। करिश्मा सिंह जी आप यहीं उतर जाइए, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं, हम आपको सीधे मंजिल पर मिलते हैं। यस सर। अपना ध्यान रखिएगा जी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम। जय हिंद। जय हिंद। मैं लगातार गाड़ी के पीछे हूँ, इनमें फेक उतर के गई है, मैं गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। लाओ हाथ आगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये वो प्रसाद नहीं है, सैनिटाइजर है। हाथ में लगा लीजिए ना। देखिए बीमारी का कहा है ना, बोल के तो आती नहीं है ना, अपना देखती है ना पराया देखती है, बस हो जाती है थोड़ी सी सावधानी तो मतलब तुम परेशानी अब इसी बात पे देताली। देताली। छोटी माँ इस बात में बहुत पर्टिकुलर है, बिना सैनिटाइजर के तो यहाँ पे किसी को बीमारी के सपने भी नहीं आ सकते, उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आना पड़ता है इस घर में। क्यों छोटी माँ है ना? शैतान। ये है हमारी छोटी माँ गेंदा माँ,
बड़ी माँ के गुजर जाने के बाद इन्होंने इस पूरे घर को संभाला है, इस परिवार को संभाला है और बहुत ही अच्छे से संभाला है। और ये है हमारी बड़ी प्यारी सी मानसी। कहने को तो ये बड़ी माँ की बेटी है लेकिन छोटी माँ ने इन्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है ना। और हाँ, इसकी ना भोले भाले चेहरे पर मत जाना, एक नंबर की शैतान है ये। छोटी माँ ये अनुभव है, देखते ही समझ गई थी। सुन भी है बहुत ऐसी बात में दे ताली। आइए आइए आप लोग, स्वागत है स्वागत है, आ जाइए। गेंदा माँ चलिए हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएं। ये है पुष्पा जी, हमारे थाने की सबसे सीनियर हेड कांस्टेबल। ये है संतोष शर्मा, साइबर स्पेशलिस्ट। और ये है चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। कहने को तो ये हमारे कलीग्स हैं लेकिन बिल्कुल परिवार जैसे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे शुभ अवसर पे परिवार को ही साथ लाया जाता है। स्वागत है आप सबका और आपका भी माता जी। जी धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी थोड़ी लगेंगे हम इनके। आप एक काम कीजिए, आप ना हमें अपनी छोटी बहन जैसी मान लीजिए। नहीं 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 नहीं, नहीं छोटी बहन तो हम लगेंगे आपकी, इसलिए हम आपको दीदी बुलाएंगे। ठीक है दीदी। जो बुलाना है बुलाइए, कोई मानेगा थोड़ी। चलिए चाय पीजिए। छोटी माँ, हाँ चाचू जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? आजकल तो हमें भी दिखाई नहीं देते वैसे कहीं। 24 घंटे ना अपने कमरे में बंद ही रहते हैं, पता नहीं किस किस के साथ मीटिंग 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 मीटिंग, बस और कुछ भी नहीं। वैसे ना व्यवहार भी ना उनका आजकल थोड़ा सा ना विचित्र सा हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आता। आते हैं जाते हैं बस, परिवार की तो जैसे फिक्र ही नहीं है उन्हें। मैं बुला के लेके आते, ये देख आ ही गए। देखिए कौन आया है। अरे जीते रहो जीते रहो, कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, और अगर होती भी तो आना तो था ही, वरना हम कुंवारे रह जाते। इस विवाह के लिए आपकी बेटी की पहली और आखिरी शर्त यही है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहें। और हमने ना कह दिया तो? हमें नहीं लगता कि आप ना कहेंगे सर। बहुत भरोसा है आपको अपने आप पर? आप पर भरोसा है सर, क्योंकि आप अपनी बेटी की किसी भी खुशी के लिए ना कैसे कह सकते हैं। बातें अच्छी बना लेते हो, बैठिए। उसी की तो तनख्वाह मिलती है ना सर, नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट जो ठहरे। बातें नहीं बनाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला अच्छा पति भी साबित हो सर। अच्छा पति भी साबित हो और साथ साथ अच्छी बातें भी करता हो, ये कॉम्बिनेशन भी तो दुर्लभ ही है ना। वैसे हम आपकी बेटी के योग्य है या नहीं इसका निर्णय तो आपको लेना है, और हमें पूरा विश्वास है कि आपका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका निर्णय आपके जीवन के अनुभव के आधार पर होगा, और हमारा नाम तो अनुभव ही है। तो बताइए सर, क्या जवाब है आपका? इस रिश्ते के लिए क्या आपकी हाँ है?
राजेश जी, आपकी जान सूखी जा रही है। हाँ कह दीजिए ना, पुलिस वाले ये हैं, आप थोड़ी जो इतना वक्त ले रहे हैं। हसीना जी, हमें लगता है कि जिस लड़के को तुमने चुना है वो एकदम सही है। तुम्हारे लिए इससे बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भाई, हमारी तरफ से हाँ है। अरे यार दिखता। मुबारक हो मैडम। थैंक यू। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक राक्षस के प्राण एक पंछी में होते हैं। हम राक्षस तो नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे प्राण हमारी बच्ची में है। बस यूं समझो कि हम अपने प्राण आपको सौंप रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए सर, हम अपने प्राणों से अधिक आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके प्राण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं। आप बोलिए। चलो आज तो हम बहुत खुश हैं, हमने तो तय कर लिया तुम दोनों की शादी में ना हम मुख्य द्वार पे लगवाएंगे एक बड़ा सा फव्वारा। सैनिटाइजर का? नहीं नहीं, गेंदे के फूल का। हमारा नाम गेंदा है ना, इसलिए खूब सजेंगे, सजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। नॉट पॉसिबल, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकते? ये संतु है, संतु में संतु ही है। उसके कहने का मतलब ये था कि शादी ऐसे धूमधाम से नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कोर्ट मैरिज करनी है ना। इसीलिए धूमधाम से नहीं हो सकती, ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, वो भी ठीक है, वो भी सही है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, तो फिर हम ना एक छोटा सा समारोह रख लेते हैं आज। देखिए शादी फिक्स हुई है, आज तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, क्यों दीदी? हाँ हाँ बड़ी दीदी। आज हम परछा की रस्म रखेंगे, जाइए तैयारियां शुरू करवाइए। आज नहीं भाई, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, कल कर लेंगे। हाँ देखिए रस्म हम आज ही करेंगे, आप मीटिंग कल कर लीजिए ना। अब समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी मैं टाल नहीं सकता। बेटी से ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं उससे जरूरी नहीं, लेकिन नहीं हो सकता है। रसम हमें आज ही करनी है, बस हमने फैसला ले लिया है। छोटी माँ जाने दीजिए ना, बहुत जरूरी काम होगा तभी तो चाचा जी इस तरह से। तुम हमारे मामले में मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा, हमें भी तो देखना है ना हमारी बात का इस घर में क्या महत्व है। नहीं मान जाइए ना बाबा, मीटिंग कल कर लेना। सर जी जब सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान जाइए ना। सर मीटिंग ही तो है, कल कर लीजिएगा प्लीज। अरे आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मैं किसी भी हालत में मीटिंग कैंसिल। सुनिए सुनिए, अच्छा एक काम कीजिए, आपको मीटिंग आज करनी है ना, तो अपनी मीटिंग ना आप आज ही कीजिए, पर कुछ देर बात की रख लीजिए ना। देखिए रसम की रसम भी हो जाएगी और फिर आज की मीटिंग भी हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे, मान जाइए ना। हाँ ये काम हो सकता है। तो फिर दो ताली। ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है
जिसे टाला नहीं जा सकता, शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा। ये डीजे एडमिट कार्ड वार्ड नंबर 3 में जाना है। जी पुष्पा जी, कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? वो हमारी उल्टी आँख भड़क रही थी ना, तो आपको लगा हम निपट गए, हमारा कल्याण हो गया? जब भी मुंह खोलती जली कटी ही सुनाती है ना आप, हम कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। अरे अशुभ तो तभी हो गया था ना पुष्पा जी, जब हमारे कदम आपके घर पर पड़े थे, तब से सब अशुभ अशुभ ही तो चल रहा है आपकी जिंदगी में। देखिए हमें आपकी चिंता हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं, और क्या बकवास किए जा रही हैं आप? नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा तो आप रोज सुबह उठ के पूरी दुनिया को बताती हैं ना। आपसे बात करना मतलब करिश्मा जी। अच्छा देखिए कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में दाखिला ले रहे हैं। पीछे का रास्ता मिल गया? पीछे का रास्ता का है, हम क्या कोई चोर है, हम कोई उचक्का है? हम सीधा सीधा औरत है, हम सीधा सीधा रास्ते से अंदर जाएंगे, बिल्कुल फ्रंट डोर से जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। वो महिपाल सिंह का अस्पताल है और वहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती हैं। कदम कदम पर दुश्मनों से भरा पड़ा है, थाना नहीं है वो कि मुंह उठा के आप कहीं से भी चल दिए, पकड़ी गई तो। पुष्पा जी रखिए अब फोन। एक बात नहीं सुनती हमारी, शिव जी करिश्मा जी की रक्षा कीजिए। सर पुलिस वाली हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी है। मेरे ऑर्डर्स आने तक इंतजार करिए, सही वक्त आने पर हम खुद आपको कॉल करेंगे। जिक्र आपके चाचा कर रहे थे, हमें लगता है कि ये उसी हमले से संबंधित है। इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आपका घर है, कैसे आप करेंगी आप जाने, लेकिन हमें उस मीटिंग की पूरी जानकारी चाहिए। आपके चाचा किससे मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं, उस मीटिंग का उद्देश्य, योजना, सब कुछ विस्तार से, समझ गई आप? ओके सर, हो जाएगा। अपने काम में लग गए ना, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए चलिए ना, आप आइए मेरे साथ, चलिए जल्दी चलिए। पंडित जी नमस्कार। जजमान अब आप जो भी भेंट या उपहार अपने दामाद को देना चाहे दे सकते हैं। बस अभी है।
अरे सुनो, कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं मैंने तुम्हें। अब वो आज ही हमने दाखिला लिया ना, आज ही हो। तो फिर बाहर क्यों घूम रही हो? अपने कमरे में जाओ। वो कौन सा कमरा है तुम्हारा? हमारा कमरा वो ये 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 हमारा कमरा है। फिर जाओ अपने कमरे में। मन नहीं लग रहा था इसलिए हमने सोचा कि हम देखें। जाओ। जी जी, हम जा रहे हैं। पंडित जी, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है। हो गया, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। सर जी, सर सर सर, एक मिनट, सर सर एक मिनट, हम थोड़ा बाबा से बतिए। बाबा, ए बाबा, घोर अनर्थ क्या कर रहे हैं? कैसा झोला छाप पंडित हैं आप? कैसे बोल सकते हैं आप इनको प्रस्थान के लिए? अभी विधि संपूर्ण नहीं हुआ है, मंत्र पूरा नहीं हुआ है, वधु के पिताश्री है ये, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, पंडित मैं हूँ कि तुम हो? देखिए, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है, सुपुत्र श्री गंगाधर चतुर्वेदी, हम भी पूर्ण रूप से पंडित हैं। चलिए साइड होइए, हमको भी थोड़ा बचा कुचा मंत्र उच्चारण करने का मौका दीजिए। चलिए उठिए, हो गया, एक कोई मिलेगी, चाहे आप कतरे पंडित बिठा लो यहाँ पर। तुम अरे बच्ची को ले आ। माइक्रोफोन के जरिए हम यहाँ चल रही बातें और सारी खुफिया मीटिंग्स के बारे में जान जाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.